इसको जो इंद्र ब्रह्म विद्या का उपदेश कर सकते हैं वही इंद्र भगवान को 7 दिन में डुबोने की भी प्रतिज्ञा करते हैं। व्यवहार अलग है और ज्ञान अलग है। भगवान ने 7 दिन की वर्षा के बाद जब कुछ हुआ नहीं तो इंद्र को शांत करके भेज दिया। इंद्र ने भगवान के प्रभाव और ऐश्वर्य को देखने के बाद मान लिया कि ये भगवान है, लेकिन जब वो पारिजात कल्पतरु के लेने गए तो इंद्र कहते थे पकड़ लो इसको, ये कहाँ जा रहा है। शिवदेव जी बोले अहो भिखाम, इन देवताओं की को धिक्कार है, जब अवसर आता है तो भगवान के चरणों में रहते हैं और जब भगवान खुद इनके यहाँ आते हैं तो कहते हैं इनको पकड़ लो। इसका मतलब है कि आपका जब सात्विक गुण उत्पन्न होता है तभी आपकी हृदय में कुछ बुद्धि सात्विक होती है, अन्यथा एक क्षण में उस सात्विक बुद्धि के नष्ट होने में देर लगती ही नहीं। सात्विक बुद्धि को स्थिर करना बहुत कठिन है। आप अज्ञान को स्थिर कर सकते हैं, आपका अज्ञान जन्म से मृत्यु तक स्थिर है, लेकिन ज्ञान को 10 सेकंड भी स्थिर नहीं कर सकते। बहुत बहुत कठिन। माने वो क्या है जो अनेक जन्मों तक स्थिर रह सकता है? वो अज्ञान है। लेकिन आपको जैसा अभी अभी जैसी बुद्धि है आपकी, ऐसी बुद्धि घर जाके बनी रहे तो जाने, बस यही है। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन। मैंने ये फैक्ट्री चला लेना निरंतर बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी दुकानदारी चला लेना, स्कूल चला लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निरंतर 1 करोड़पति से 10 करोड़पति हो जाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अने माया को निरंतर स्वीकार किए रहना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन माया के बिना एक क्षण रह लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी माने उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। भगवान को तो सूझता ही ऐसा है, इस संसार को दिखा ही दे कि तुम भर ऐसे नहीं हो, देवता भी ऐसे हैं। और भगवान ने ये जो चमत्कार दिखाते हैं ये अलग चीज है। आप सोचो चमत्कार दिखाने वाले को जिसने बनाया है वो क्या चमत्कार नहीं है? एक यहाँ गुरसराय के पास में परसुआ गांव, वहाँ कथा करने गए तो वहाँ एक महात्मा थे काची बाबा। बोले महाराज हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा दिखा दो, हम तो उसका बहुत कुछ देख चुके हैं, तुम भी दिखा लो। हनुमान जी का मंदिर है वहाँ गए हमारे साथ विद्यार्थी, उसने ऐसे तौलिया अंदर की और बड़ा ऐसे ऐसे किया और एक पेड़ा दिया तो बोले ये खाओ। मैंने विद्यार्थी को दे दे, मैं कहा ये खा ले। 2-3 पेड़े निकाले, लोगों को खिलाए, बात समाप्त इतने से ही हो गई। मैंने कहा बाबा अब भोजन क्यों बनाते?
महाराज भोजन तो करना पड़ेगा। मैंने कहा यदि बिना लकड़ी बिना आटा बिना शक्कर बिना सब कुछ के यदि तुम भोजन बना लेते हो तो रोज ऐसे ही बनाओ और खाओ। तो उन्हें क्या कहा, बोलिए दिखाने के लिए है, इससे होता कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं होता। यदि भगवान दिखाएंगे तो ये सब चमत्कार है। आप क्या चमत्कार देखेंगे, वो देवताओं को चमत्कार दिखा देते हैं। आया समय और उन्होंने इंद्र की पूजा को रोक करके पत्थर पूजवा दिया। माने कहां, एक कन्या माला बना रही थी तो मणि और कांच दोनों एक में ही डाल रही, तो वहां से एक महात्मा निकले। महात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। काचम मणि कांचन मेक सूत्रे गृधनासि बाले तुमिदं विचित्रम। हे कन्या तुम नहीं जानती कि जिस तुम धागे में मणि और कांच एक साथ लगा रहे हो इसका मतलब तुम मणि और कांच में अंतर नहीं पड़ती। उस कन्या ने कहा मालूम है ये मणि है ये कांच है, लेकिन मैं भर ऐसा कर रही हूं क्या। आशीष विद पाणी रे कसूत्रे, अकेले मैं कर रही हूं कि एक सूत्र में मणि और कांच मिला रही हूं। पाणी जी तो सब कुछ जानते थे लेकिन उन्होंने पाणी जी ने एक सूत्र में मैं एक सूत्र में कांच और मणि डाल रही हूं तो पाणिनि जी ने भी एक सूत्र में अशेष विद पाणिनि रेक सूत्रे श्वानो युवानो मघवान माह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और मणि फिरोई तो मुझे मूर्ख कहने लगे और पाणिनि जी ने एक सूत्र में कुत्ता जवान और इंद्र एक सूत्र में लिख दिया उनसे नहीं कहते बनो। श्वानो युवानो मघवान मा स्वयु मघो नाम तद्धिते। स्वन शब्द और युवन शब्द और मघवन शब्द इन तीनों को संप्रसारण इसी सूत्र से होता, माने कुत्ता जवान और इंद्र इनमें अंतर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं तुलसीदास जी ने अस हस कहे सुन कृपा निधानु सरस स्वान मघवान जुवान सरस स्वान मघवान जुवान उवस हस कही सुन कृपा निधानु सरस स्वान मघवान जुवान सरस स्वान अब ये कोई बड़ी बात नहीं हो, कुत्ते की वृत्ति और युवक की वृत्ति और इंद्र की वृत्ति एक जैसी है।
सरस स्वान भगवान जुआनी, सरस स्वान भगवान जुआनी। इसलिए जिस इंद्र भगवान के लिए हम बहुत दुर्गम है ये बात जानना कि संसार में जो भी है बड़ा चमत्कार है। भगवान ने भी कहा कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, इसलिए उन्होंने मैं इंद्र को बताना चाहता हूं, बस उसके मद को देखना है कितना है और शांत भी करना है। और उनके लिए उन्होंने गोवर्धन को अपने परिवार को समझा करके पूजवा दिया। और आश्चर्य ये है कि भगवान जानते थे कि गोवर्धन पर्वत नाम का कोई देवता होता ही नहीं, इसलिए उनको खुद बिना मंत्र के बैठना पड़ा। किसी ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं थी कि अस्सी प्राणा प्रतिष्ठन तू करे। पत्थर में भगवान होता नहीं, इसलिए वेदों में वनस्पतियों की स्तुति है। वायु की स्तुति है, जिसको आप जड़ कहते हो उन औषधियों के लिए मंत्र है। आप जब कभी तांत्रिक विधि में देखेंगे किसी औषधि को उखाड़ने जाएंगे तो उसका मंत्र है। आप जिसको जड़ में कह रहे हैं, इसलिए जड़स्थित चैतन्यता की ही स्तुति होती है। जड़ की स्तुति क्यों करेंगे? तो भगवान को ही बनना पड़ा और बन गए और खा पी लिया और होने लगी वर्षा। इंद्र ने आदेश दे दिया, अब कोई बचना ही नहीं चाहिए। लोकांतरों का आधिपत्य देने वाले भगवान ने कहा, मैं तो एक जिनको मैंने बनाया था उनने मेरे गाय बछड़े चुरा लिए। अगर मनुष्य नहीं जानता है हमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं तो फिर किसको बताए कि वो नहीं जानते। फिर देखे चले देखते हैं। इंद्र जी को भी देख लेते हैं। इंद्र जी ने आदेश दे दिया, लेकिन जब वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि इतने में तो पहले दिन की वर्षा में ही डूब जाना था, सात दिन की तो बात ही क्या थी। सात दिन नहीं लग गए थे किसी को मरने में। कोई देवता यदि क्रुद्ध हो जाए तो उसको सात दिन लगेंगे हम लोगों को मारने में। भगवान ने कहा, अथाह भगवान गोपान हेम्ब तात ब्रजौख सह। भगवान ने गोवर्धन उठाने के बाद ये कहा कि हे मां, हे तात, हे ब्रजवासियों, यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना। गिरिगर्त कोई पत्थर गड़ा होता है तो आप जैसे ही उखाड़ते हैं तो गड्ढा हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि हे तात, हे अम्ब, हे ब्रजवासियों, सब गायों को लेकर के इस गड्ढे में चल गए। तो बोले, गड्ढे में जाने से क्या बच जाएंगे क्या? भगवान ने कहा, हाँ, न त्रास यह वह कार्य मध्यस्ताद्री निपात में। चले जाओ, तुम इतना मत डरो कि मद हस्तात मेरे हाथ से अद्री निपात में गोवर्धन गिर जाएगा, ऐसा क्यों डर रहे हो? वात वर्ष भये नालम तत्राणम विहितम हिवा। वात वर्षा
वर्षा और आंधी से मैंने तुम्हारी रक्षा कर ली। इतना काम तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा काम तो बाकी था, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। गोवर्धन में ये सब बच्चे चले जाएं और ब्रजवासी चले जाएं, गाय चली जाए तो गाय के भोजन की व्यवस्था करो, बछड़ों की करो। भगवान ने कहा कि तुम ही भर चमत्कार करना जानते हो, हम भी जानते हैं। तो क्षुत्र व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैर व्रजवासी भी। संसार की क्रिया तीन कारणों से होती है, एक क्षुत्र भूख, एक प्यास और सुखापेक्षा, स्त्री और पुरुष के संयोग की अपेक्षा। इन तीन से ही संसार चलता है। और क्या है संसार में बता, ये जितनी आपकी क्रिया दिख रही है तीन की चल रही है, सुखापेक्षा भूख और प्यास। स्त्री और पुरुष के संतान की सुख की अपेक्षा और भूख और प्यास, ये तीन की निवृत्ति हो जाए तो संसार की क्रिया ही समाप्त हो जाती है। अगर आपको भूख ना लगे, प्यास ना लगे और सुख की अपेक्षा ना हो तो आप कौन सी क्रिया करेंगे, आप बताएं क्या क्रिया करेंगे। चलिए आप कल्पना ही कर लीजिए कि आपको भूख ना लगे, प्यास ना लगे और स्त्री पुरुष की कोई कामना ना हो, इन तीन क्रियाएं ना हो, संसार कहाँ दिख रहा है। इसका तात्पर्य है, भगवान चाहे अपना जब बना लेंगे, भगवान आपकी रक्षा करना चाहेंगे तो सबसे पहले इन तीन चीजों से तुम मारेंगे तब वो आपका बन पाएगा। या तो आप ही मार लो भूख प्यास और सुखा अपेक्षा, या तो आप मारो वैराग्य के द्वारा, वैराग्य के द्वारा आप सुख की अपेक्षा का नाश करो और भूख और प्यास को संयमित करके व्रत उपवास के द्वारा करो तो आप भगवान के हो जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं करना है तो आप भगवान के हो ही जाओ कि अब तुम ही मारो तुम ही जिलाओ तो वो तुम्हें ये तीनों चीजों से मुक्त कर देगा, तभी तो आप उसके हो पाओगे। और जब तक ये तीन में से एक भी बना रहेगा तब तक भगवान नहीं दिखने वाले। इसलिए भगवान ने ये किया और सात दिन तक। अब आप ही आनंद का माप तौल कर लीजिए कि जिन ब्रजवासियों को, गायों को, बछड़ों को न भूख लगी हो, न प्यास लगी हो, न सुख की अपेक्षा हो, वो सात दिन कैसे किस आनंद में रहे होंगे, किस आनंद में। इसी का नाम है ब्रह्मानंद। जिन तीन की अपेक्षा न रहे, भगवान शिव को कामदेव के जागृत करने के काल में लिखा है कि वही बचे जिनको भगवान ने रख लिया। जे राखे रघुवीर ते उभरे तेहि काल। बस यही साधना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और तन प्रेम बेगान निवृता ब्रजौ कसो यथा समीयु परिरम भणावी गोव्यश्च सस्ले हम पूजयन मुधा युयुजुः सदाशिषः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अद्भुत सात दिन के समाप्त होने के बाद वर्षा समाप्त हुई, गोवर्धन पर्वत रख दिया, भगवान के साथ क्या किया ब्रजवासियों ने। आप किसी का चमत्कार देखते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसा ब्रजवासियों ने नहीं किया। आशीर्वाद दिया,
भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा बहुत अच्छा, और आशीर्वाद देते हैं कि आगे भी ऐसी करते रहो। तम प्रेम बेगा निवृतो ब्रजौतसहा। प्रेम बेगा, आपने कभी प्रेम का वेग जाना? आपको काम का वेग पता है, क्रोध का वेग पता है, लोभ का वेग पता है, मोह का वेग पता है, लेकिन आपको नहीं, वो दूसरे को दिखता है। आपको जब काम का वेग आता है तो किसी और को देखेंगे, जब आपको क्रोध का वेग आएगा तो किसी और को देखेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगी हमें और काम क्रोध का वेग है तो वेग ही समाप्त हो जाएगा। बहुत आश्चर्य है इस बात का कि क्रोध काल में, काम के वेग काल में, लोभ मोह के वेग काल में यदि आपको अंदर से एक क्षण के लिए ऐसे जागृत हो जाए कि मुझे काम क्रोध जग रहा है तो कम हो जाए। विवेक जलधे है लिखा है, विवेक जल का काम कर रहा है। आपने अभी प्रेम का वेग है ही नहीं, हुआ ही नहीं। प्रेम के वेग में महत्व आपकी शयता नहीं होती, एकता हो जाती। तम प्रेम देगा निव्रता ब्रजौ कसो यथा समीयु परिरम्भणादि। पानी बंद हो गया, ग्वाल बालों से कहा बाहर निकल आओ, जैसे बाहर निकले गोवर्धन रखा और सब लोगों ने परिरम्भण भगवान कृष्ण को गले लगा दिया, चूम डाला और कहा बहुत अच्छा किया। गोप्यश्च सस्ने धम पूजयन मुदा। और गोपियों ने क्या किया? सस्ने हम अपूजयन, बड़ी प्रसन्नता से भगवान कृष्ण को स्नेह पूर्वक पूजन किया। ब्रजवासी जो थे, माता पिता ग्वाल बाल, इन लोगों में प्रेम का वेग था और गोपियों में स्नेह का वेग था, और स्नेह और प्रेम में बहुत अंतर। कभी साहित्य दर्पण पढ़ेंगे या जी गोस्वामी का उज्ज्वल नील मणि पढ़ेंगे, ये उज्ज्वल नील मणि बहुत विलक्षण ग्रंथ है, रसगंगाधर के बाद का ग्रंथ है। लोग कहते थे कि साहित्य दर्पण के बाद रस और अलंकारों का अंतिम ग्रंथ रसगंगाधर है, लेकिन नहीं, भक्ति परक स्नेह प्रेम आदि का अर्थ जानना हो तो जीव गोस्वामी का उज्ज्वल नील मणि पर। इसलिए उन्होंने कहा जिसमें मोह का स्पर्श करते हुए प्रेम रहता है उसको प्रेम कहते हैं, और जिसमें मोह का एक लेश मात्र भी ना हो, मात्र भोग्य वस्तु की कामना रहती है उसको स्नेह। वल्लभाचार्य जी ने कहा प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथा। सुबोधिनी में वल्लभाचार्य जी ने कहा, शुद्धाद्वैत के प्रतिष्ठापकाचार्य जी ने, कि जिसको आप भागवत में काम शब्द का प्रयोग है वो प्रेमैव गोप रामाणाम, गोपांगनाओं के प्रेम को ही काम शब्द से कहा गया है, और जिस काम से जगत की उत्पत्ति और स्नेह मोह होता है वो माया है, और जिस ब्रह्मानंद का भोग करने के लिए गोपांगनाएं प्रेम करती हैं उस प्रेम का नाम काम है। इसलिए गोपांगनाओं के प्रेम को ही काम शब्द से कहा गया है। तो गोपांगनाओं ने स्नेह पूर्वक पूजन किया और क्या किया? जध्यक्षताभिर युयुयुहु सदाशिषः। भगवान का पूजन कैसे किया? दधि अक्षत पुष्प जो मिल गया,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्र जी को लगा कि ये तो भगवान ने सोचा ये तो बहुत हो गया, अब जब लगा वही दंड का भय लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के ही समान स्तुति करते ही भगवान के शुद्ध स्वरूप की स्तुति कर दी। हे भगवान, आप विशुद्ध तत्व हैं, परम शांत हैं, लेकिन माया मयोयम गुण संप्रवाह, ये संसार में जितने शरीर हैं ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों का प्रवाह है। रजोगुण आएगा तो उत्पत्ति होगी, तमोगुण आएगा तो संघर्ष होगा, सत्वगुण आएगा तो पूजन पाठ होगा, और ये तीनों गुण संसार में निरंतर चलते हैं, इसलिए संसार का नाम है गुण प्रवाह। लेकिन आप देखें, आप भी तो मायामय ही हैं, आप भी मायामय मनुष्य बने हैं, और जिसमें बने हैं वो जगत भी मायामय है, भला लोग जाने भी तो क्या, और हम जो देवता हैं तो हम देवता भी कैसे जानेंगे, क्यों? बोले न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा, अग्रहणानुबंध आप मानी ग्रहणानुबंध उसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि एक कब्जे से ये बनाना है महाराज जी का, तो ये जो इतने में बनाया जाएगा इसी को अनुबंध कहते हैं। लेकिन अग्रहणानुबंध जिसको आप अनुबंध चतुष्टय में कहते हैं, अग्रहणानुबंधा, यदि संसार में कोई इस जगत के माया में प्रवाह को स्वीकार नहीं करता है तो वह आपका सिर्फ अनुग्रह है, आपका अनुग्रह नहीं है तो कुछ नहीं है। पिता गुरुस्त्वं जगता मधीशो दुरत्यया कालय उपात दंडा विताय शिक्षा तनुभी जन्यते पानं विधुर्मन जगदीश मामिना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत कथा का नाम नहीं, स्तुतियों के समूह का नाम भागवत कथा। तो उसने इंद्र ने कहा भगवान, पिता गुरुत्व जगता मधीशा, आप हमारे पिता हैं और शिक्षा देने के लिए ही आप गुरु भी हैं और सारे संसार के स्वामी आप हैं। हम चाहते हैं कि संसार को नष्ट कर दे, लेकिन नहीं हुआ ना, 7 दिन पानी बरसाया नहीं हो पाया, इसलिए आज पता चला कि मालिक हम नहीं मालिक आप। मालिक कहते उसे हैं जो बना भी सके और बिगाड़ भी सके, तो हम बिगाड़ सकते थे तो बिगाड़ने का प्रयास किया, हम बिगाड़ ही नहीं पाए। आज पता चला, लोग कहते हैं ना बाप बाप होता है, लड़का लड़का, और दुरत्य काल उपात दंडा, और ये जो आप लोगों को दंड मिलता है ना, आप लोग क्या करते हैं, पूर्व जन्म के पाप से रोग होते हैं, पूर्व जन्म के पाप से ये होता है वो होता है। भगवान इंद्र ने कहा कि दुरत्य काला, इस संसार के आप वो काल है जिसको कोई दुरत्य पार ही नहीं कर सकता। हम लोग भी बच्चे थे, हम भी जवान हुए, हम भी वृद्ध हुए, हम भी मरेंगे, जबरदस्ती का खेला है, जबरदस्ती पर
जबरदस्त मरना नहीं चाहती, भगवान कहते दुरात्य और उपात्त दंड। यदि किसी ने गलत किया तो दंड लिए खड़े हैं भगवान कि जैसे कुछ करे गड़बड़ तो इसको ही मिटा दो। हिताय स्वेच्छा तन भी समीह से, और तन भी शरीर से आप जवाब आते हैं यहाँ तो हिताय आते तो हित के लिए। मानम विधुमन जगदीश मानिना, जगदीश मानी जैसे आप कहते हो ना अभिमानी, ऐसे ही कह रहे जगदीश मानी। इंद्र भगवान ने कहा है कोई अपने आप को संसार का माने कि मैं जगदीश हूँ उसको कहते हैं जगदीश मानी, और उनके अभिमान को विध्वंस नाश करने के लिए भी आप आते हैं। अब चाहे कोई अभिमानी देवता हो चाहे राक्षस, यदि रावण है तो अभिमानी तो आप उसे भी मारेंगे देवताओं को बचाएंगे, लेकिन यदि बचाने के बाद देवता बदमाशी करने लगे उल्टा तो फिर देवताओं को भी मार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वत्सल भगवान की जय। इसलिए अब तो एक ही साधन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मन को रोकना, जीभ को रोकना, माने किसको किसको रोकेंगे। बह्व्या सपत्न एव गेह पतिम लुनंती, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान जीव की ऐसी दशा है जैसे किसी एक पुरुष की पांच पत्नियां हो और एक साथ उनको एक पति चाहिए तो पांच जैसे नोचती है। बह्व्या सपत्न्या समानः पतिर्येषां यासां, जिन स्त्रियों का एक ही पति हो उसको सपत्न कहते हैं, और सपत्न एक शत्रु अर्थ है। एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो तो शत्रु भाव ही होगा, मित्र भाव होता नहीं, इसलिए पाणिनि जी ने लिखा है भ्रातुर व्यन सपत्न नित्यम सपत्न्या दिशु। ये तो जिनके एक पति के कई पत्नी हो उसको सपत्न सापत्न दोष कहते हैं ना, लेकिन सूत्र है भ्रातुर व्यन सपत्ने भ्रातृव्य शब्द, भतीजा जैसे आप कहते हैं भतीजा माने जाने क्या है? तीसरा भाव भतीजा, तीसरा भाव ना, तो पहला भाव कौन है? भ्राता। दूसरा भाव कौन है? भ्रातृजाया। और तीसरा भाव कौन है? भ्रातृव्य। तीन भाव हो भतीजे को कहते हैं भ्रातृव्य। भ्रातृ शब्द से व्यन प्रत्यय होता है शत्रु अर्थ में, तो भ्रातृव्य बनता है। भ्रातृव्य माने होता है भतीजा भ्रातुष्पुत्र, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र में लिखा भ्रातृव्यस्य बधाया। शत्रु कहना हो तो आपको भ्रातृव्य शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए वहां भतीजा अर्थ नहीं है, शत्रु ही अर्थ है सीधा। इसलिए जब कभी झगड़ा होता है तो चाचा ही पिटता है क्योंकि भतीजा तो जवान होता है। इसलिए सभी जीवों की ये दशा है कि एक आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये पांच पांच पत्नियों का पति जीव, इसकी वो दशा ये इंद्रियां करती है। आंख कहती है वहां चल, जीव कहती है वहां चल, कान कहते हैं वहां चल, नाक कहते हैं वहां चल, एक पति की पांच पत्नियां ये दशा करती है। अब आपकी कहां से दशा सुधर जाए,
तो क्या करे? तो बोले जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। उठ प्यारे, उठ प्यारे, उठ प्यारे भई अब भोर, कर प्रभु से, कर प्रभु से विनय कर जोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान का रिकॉर्ड बताते हैं, उसने तारे अजा मिल जैसे चुप बैठा भला क्यों कैसे, उसने तारे अजा मिल जैसे चुप बैठा भला क्यों कैसे। इसमें ऐसा कोई है ना मिल जैसा कि जिसने अपनी पतिव्रता पत्नी छोड़ दी हो और किसी नाचने वाले को ले आया हो? अगर वो तरता है तो हम लोगों ने लफड़े तो किए ही नहीं, तो हम तो पक्के तरेंगे। उसने तारा अजा मिल जैसे, उसने तारे अजा मिल जैसे चुप बैठा भला क्यों कैसे, उसने तारे अजा मिल जैसे चुप बैठा भला क्यों कैसे। बोले क्या करें, मन ही नहीं लगता। महात्मा क्या बोले, मान मन की ना वो तो है चोर, मान मन की ना वो तो है चोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। उसकी आंखों में करुणा भरी है, क्या कभी तूने अर्जी करी है, उसकी आंखों में करना भरी है, क्या कभी तूने अर्जी करी है, उसकी आंखों में करना भरी है, क्या कभी तूने अर्जी करी है। राहु का जब करवाएंगे, महामृत्युंजय का जब करवाएंगे, केतु का करवाएंगे, सबका जब करवाएंगे, लेकिन एक माला उसके नाम की निकलती। अरे भाई, सबकी ताकत देख ली है, उसकी बाहों का तू देख जोर, सबका करके देख लिया, एक बार उसकी करके देख लो, उसकी बाहों का तू देख जोर, करना क्या, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तरिया दिल प्रभु सा कोई नहीं है, लाल केतु ऐसे नहीं, दरिया दिल प्रभु सा कोई नहीं है, तू जहाँ है प्रभु भी वही है। दरिया दिल प्रभु सा कोई नहीं है, तू जहाँ है प्रभु भी वही है। दरिया दिल प्रभु सा कोई नहीं है, तू जहाँ है प्रभु भी वही है। दरिया दिल प्रभु सा कोई नहीं है, तू जहाँ है प्रभु भी वही है, तू जहाँ है प्रभु भी वही है। दिल की आवाज सुन, दिल की आवाज सुन कर ना शोर, खाली मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो, यहाँ की आवाज सुनो। दिल की आवाज सुन कर ना शोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जिसने जाना वो पागल हुआ है, तू भी हो जाए मेरी दुआ है। जिसने जाना वो पागल हुआ है, तू भी हो जाए मेरी दुआ है। हाँ जिसने जाना वो पागल हुआ है, तू भी हो जाए मेरी दुआ है। माया पर चले घर में रहती है, चलता है जोर, चाहे जितना जोर पर माया पर जोर नहीं चलेगा। माया पर चलेगा न जोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 यार ब्रजपाल की भी तो सुन, यार ब्रजपाल की भी तो सुन। एक सज्जन कह रहे हैं, कह गुरुजी आपकी माता पिता ने ऐसा नाम रखा है कि चाहे जिस लय में गीत लिखो ब्रजपाल सेट हो जाता। मैंने कहा यार ब्रजपाल की भी तो सुन, राम धुन में लगा अपनी धुन। हाँ यार ब्रजपाल की भी तो सुन, राम धुन में लगा अपनी धुन। होगा क्या तुझे जीवन का मिल जाए छोर, लोग नहीं कहते छोर जो छोर तक, तुझे जीवन का मिल जाए छोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
तक गोवर्धन पर्वत उठाए रहे। राजा परीक्षित को भी 7 दिन का ही शाप लगा था। कुल 7 दिन है। यह आनंद बार बार नहीं आता। अपने महाराज श्री की बड़ी कृपा रही, बड़ी अच्छी है। हम लोग ऐसे इस जगह पर रह रहे हैं जैसे माँ के गोद में बच्चे रहे। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत। ब्राह्मणों, विद्वान ब्राह्मणों के पास बैठना, उनकी बात सुनना बहुत दुर्लभ बात है। लेकिन हम यहाँ इतने निश्चिंत रूप से रहे। और सबसे ज्यादा तो सही बताए, पुण्य लूटा है निश्चल सौरिया जी ने। स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है कि कोई एक समय का भोजन देता है तो वो 24 घंटे का प्राण दान दे रहा है, क्योंकि अन्न के बिना प्राण रह नहीं सकते। लेकिन इन्होंने भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, जिसको जितना जो जो खाना हो खूब खाओ। बहुत लोग बाहर से आए, इसलिए अन्न दान का भी बड़ा महत्व। क्या क्या महत्व? सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि वे सुंदर व्यवस्था हो गई तो ब्रह्म सत्र भी ऐसे आनंद से बीता जैसे नाम है ब्रह्म सत्र वैसा ही होगा। कामना यही थी मेरी कि हमारे छतरपुर के सभी विद्वान ब्राह्मण, लेकिन मैं नहीं जानता था, आप जो है श्री पूज्य सुदर्शन लव जी इतने बड़े ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता हैं और गुरु जी बैठे ही हुए हैं मिश्रा जी, ये हैं, किनके किनकी विद्वत्ता बखान करे। देखिए अरुण जी कथा ही करते हैं, ये अच्छे अच्छों को तार देते हैं। हम इनकी कथा ईशानगर में सुनाए थे, हरीश मिश्रा जी के यहाँ हुई थी। यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए, जिनकी सुनने के लिए इससे ज़्यादा जनता बैठती है। महाराज जी 9 बजे जिस समय ब्रह्म सत्र होता है तो लगता है कि नैमिषारण्य में सूत और शौनक बैठे हुए हैं। उसमें कुछ और वार्ता होती ही नहीं है। ज्ञान माने ज्ञान के अतिरिक्त वहाँ माया का जैसे प्रवेश। इसलिए आपकी बहुत बहुत जय जयकार हो, आपने बहुत किया बहुत किया। आप साधु और ब्राह्मणों के लिए तो भगवान आते हैं और भगवान के लिए साधु और ब्राह्मण हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम। बहुत दूर दूर से लोग 150-150 किलोमीटर से मोटरसाइकिल से आए। खूब बढ़िया प्रमोद जी के अन्न का बढ़िया पान किया, जो गए हैं खूब आनंद रोते हुए गए। अभी वो गए तो रोते हुए चले गए, गुरु जी रहना था। कोई बात नहीं,
जहाँ भोजन की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ से जाने में किसको रोना नहीं आएगा। ऐसे ही महाराज जी, हमारी इच्छा ऐसी है कि अगले वर्ष आप फिर हम लोगों पर कृपा करें और महीना 15 दिन का रखें, 7 दिन का रखें, उसमें हमारे ओम प्रकाश जी जो हैं महर्षि के, उनके विद्यार्थी सब विद्यार्थियों को मैं 10 या 15 दिन 1 घंटे संस्कृत बोलना सिखाऊंगा। 10-15 दिनों में वो बालक अगर संस्कृत, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, इतना भी बोलने लगे तो बहुत बड़ी बात है। मुझे गुरु जी ने इतना धन दे दिया है कि वैसे बांटता तो हूँ मैं सवेरे 7 बजे से और शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक बांटता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। व्याकरण भी, वेदांत भी, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, क्या क्या नहीं। इसलिए खूब विद्यार्थी पढ़ते हैं, चलते फिरते पढ़ाते हैं। लेकिन छतरपुर जिले में विद्वानों का अभाव, अब मिश्रा जी है, लव जी है, इन लोगों के वृद्ध होने पर फिर वो कोई विद्वान तैयार नहीं हो रहे, वो हो जाए ये हमारी कामना है। संसोरिया जी है, आप हैं, अब हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम लोग खाने के लिए घूम रहे हैं। आप जो देखें, अगर हमारी अलमारी के खाने तक में कुछ नहीं है, वहाँ खाने में आपकी बड़ी कृपा है, बहुत आनंद आया। ऐसा ही ये देखिए, ये लोग क्या जाने कि ये भागवत में क्या है, लेकिन ये किस मोह से बैठे होंगे, क्या सुन रहे हैं। तो जिनको श्लोक का ज्ञान है वो सुने बैठे रहे, वो देखिए धोती पहने बाबूजी शुक्ला जी, सुरेंद्र जी नव्य व्याकरण से आचार्य है, लेकिन अब वो छतरपुर में है, किसको बता दे, किसको पढ़ा दे। ऐसे ही महाराज जी आप अनुग्रह करें, कृपा करें। और हमारे हरीश मिश्रा जी ईशानगर वाले, उसने तुरंत बोले अगली बार हमारे यहाँ हो। ऐसे ही ऐसे अगर तैयार हुए जा रहे हैं, तो अगर व्यवस्था करने वाले तैयार हैं, तो भगवान भी निश्चित ही कहीं ना कहीं से कोई विद्वान ब्राह्मण तैयार करवा ही देंगे। ये परंपरा चलती रहे, कथाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन सत्संग का भी, सत्संग इसे ही कहते हैं जिसमें व्यवस्थित हो और सब आनंद लूटे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब मैं आपको ब्रह्मानंद जी की तरफ ले चलता हूँ। भगवान ने कल वरदान दिया था गोपांगनाओं को, कहा मये मारंसपा याता बला ब्रजम सिद्धा मये मारंसपा। भगवान ने संसार की निवृत्ति करके गोपांगनाओं को आनंद का पात्र बनाया और कहा कि तुम जाओ और सिद्ध हो गई। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वो महात्मा बड़े सिद्ध हैं, ऐसे भगवान ने गोपियों से कहा याता ब्रजम, तुम अब ब्रज में जाओ, अब लाओ और सिद्धा, अब तुम सिद्ध हो गए। लोगों को भूत प्रेत सिद्ध होते हैं, तुम्हें भगवान सिद्ध हो गए। अरे भगवान सिद्ध हो जाए, तुम हमसे रमण करने की कामना करती हो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सौंदर्य माधुर्य लावण्य सौगत्य सार सर्वस्व असमौर्ध्व परमानंद ब्रह्मानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, यदि जिसको रमण कराने की इच्छा करे उसमें क्या दोष होगा, उसके जैसा कौन होगा। माने इस संसार में भगवान भी आते हैं तो ऐसे पात्र जीव भी आते हैं जो भगवान को रमण कराने। कोई खेलने वाला तो चाहिए साथी, भगवान के साथ कौन खेले, कौन खेले। इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता भुला देते हैं। ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, शर्त ये थी कि जो कोई हार जाएगा वो जीतने वाला को पीठ में बैठा के यहाँ से वहां तक जाएगा, लेकिन भगवान हार गए। किस लिए, जो अजन्मा है और जो अजेय है, अपराजित है,
जो अनंत ब्रह्मांडों का उत्पादक है, सर्व ईश्वरीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत पालकत्व संपन्न शक्ति संपन्न है, वो किससे हारे? वो खुद ही हार जाए तो ठीक है, लेकिन भगवान ने देखा कि मैं ही जीतता रहूंगा तो ये दुखी हो जाएंगे, तो हार गए। और श्री दामानम ओवाह, भगवान ने श्री दामा को पीठ में बैठाल करके यहाँ से वहां तक ले गए। श्री दामा को क्या, श्री दामा में ऐसा क्या है जिसको भगवान खुश करना चाहते हैं, जिसको भगवान आनंद देना चाहते हैं? इसलिए वराह भगवान की स्तुति में सत्यलोक वासियों ने कहा, हे अजित, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, लेकिन अस्मा भी भगवान जीता, हमने आपको जीत लिया, आप हार गए। आपका हारना ऐसा लगता है जैसे पिता पुत्र से हार करके पुत्र को आनंद देने के लिए पराजित होके खुद भी प्रसन्न होता है। तो आप जिन जीवों को प्रसन्न देखना चाहते हैं वो जीव नहीं, वो आप ही है। भगवान ने कहा हम बुलाएंगे, तो एक दिन आया, एक वर्ष बीता, कार्तिक का मास पूर्णिमा आया, तो भगवान ने विचार किया, तो भगवान पिता रात्रि ही, और इसमें भी अरुण जी बड़ा गड़बड़ चल रहा है, हमने तो ऐसा सुना है कि लोग, हमने आंखों से देखा और कानों से सुना कि आज के वक्ता बोलते हैं भगवान पिता रात्रि, मान लीजिए दशराम सरा लिखा है तो दशराम सरा पढ़ लेंगे। एक लड़का तो कथा कर रहा था तो खच्चिदानंद रूप है बोल रहा, तो हमने सोचा खच्चिदानंद कैसा, तो क्या गड़बड़ हो गया कि वो जो किताब थी उसके पास तो जो सच्चिदानंद नहीं लिखते हैं, तो सा का जो वो राह है वो ऐसा मिल गया, सुबह हो गया, जैसे ही वो डंडा बीच वाला वाह बन गया तो उसको क्या वो खच्चिदानंद शुरू हो गया, खच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि। तो कहते भगवान पिता रात्रि ही, भगवान अपि, यहां रुकिए, छंद शास्त्र का नियम है कि विराम और विरति ही छंद की पूर्णता है, यदि छंद में विरति नहीं होगी, विराम नहीं होगा, तो आप छंद की मात्रा जहाँ तक होती है वहाँ तक आपको रुकना पड़ेगा। अनुष्टुप छंद में यगड़ है, मगड़ है, नगड़ है, तगड़ है, रगड़ है, जगड़ है, इनका सबका स्वरूप वर्णन है, इन सबका है कि जगड़ से प्रारंभ होने वाले काव्य को भूमि प्राप्त होती है, इसलिए रगड़ से जिस काव्य को प्रारंभ होता है उससे कवि की मृत्यु हो जाती है। आप पढ़िए उसको छंद को, इसलिए आप ऐसे कविता भी नहीं कर सकते, तो उसको विरति चाहिए, इसलिए आप आठवें वर्ण में, वार्णिक मात्रिक दोनों छंद होते हैं, आठवें वर्ण में रुकना ही होगा, भगवान अपि कहिए ना, फिर ताह रात्रि ही कहिए, तो भगवान अलग कर दे, पिता रात्रि कर दे, क्या अर्थ निकले? अपि संभावना गर्हा समुच्चयेषु कारक का सूत्र, यहाँ भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की उत्फुल्ल मल्लिकाओं को देख करके भगवान की भी कामना हो गई, तो भी का अर्थ कहाँ होता है, भी माने जो नहीं होता वो होता है, जो नहीं होता वो हो जाए, वहाँ भी शब्द प्रयोग होता है, इसलिए अपि की संभावना गर्हा समुच्चय अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो अपि माने भी, माने जो संभावना ही नहीं है कि किसी के साथ रमण करने की इच्छा हो जाए, तो भगवान की भी रमण करने की इच्छा हो गई, रंतु मनश्चक्रे, रमण करने का मन उन्होंने, मन इच्छा कामना हो गई, क्योंकि वो सत्य संकल्प है ना, सो कामयते को हम बहुश्याम, यदि उसकी उपनिषदों के अनुसार कामना होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो ब्रह्मानंदमय हो जाऊं, बस आज मैं अपने आनंद का विस्तार करूं, शरदोत्फुल्ल मल्लिका देखी, श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आकाश मंडल में चंद्रमा प्रस्फुटित हुआ, जैसे ही चंद्रमा निकला नहीं और भगवान ने देखा सारा ब्रजमंडल चंद्रमा की धवल मां से धुल गया। दृष्ट्वा कुमुदवन्तम् अखण्डमण्डलम् रमाननाभम् नवकुङ्कुमारुणम् वनम् शततकोमलगोभिरञ्जितम् जगौ कलम्बामदृशाम् मनोहरम् नृपेण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्तम् कुमुदवान् नडवान् नेतकवान् सारे अखंड मंडल को चंद्रमा से युक्त चांदनी से युक्त देखा और ऊपर देखा तो क्या देखा, रमान नाभम आप इसी का आनंद श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस में परकिया का प्रवेश हो जाए तो आनंद 10 गुना हो जाता है। परकिया का प्रवेश श्रृंगार रस में होता है तो उसका स्थाई भाव रति होकर के अत्यधिक 10 गुना हो जाता है। स्वकिया में नहीं परकिया प्रवेश। रमान नाभम राम जी संध्या करने गए थे, जानकी जी को फोन से देख के आए थे, विश्वामित्री जी के यहाँ जाना था फूल लेकर के, आए संध्या में बैठे फिर गए कहा, बैठे रहे भाई चंद्रमा देखते रहे कि लगता है कि नहीं। कहे कि लगता है कि जानकी जी का मुखारविंद चंद्रमा जैसे, फिर बोले नहीं नहीं गलत है, चंद्रमा खराब है जानकी मेरी अच्छी है, अभी मेरी हुई नहीं और अभी उनको लगा, इसलिए रमा के समान मुख देख करके और उन्होंने जगौ कलम वामदृशाम वामदृशाम वामा विपरीता प्रक्रिया शाम वामदृशाम, जिसके देखने से आदमी उल्टा चलने लगे उसको वामदृशाम। जो आदमी को उल्टा चला दे वामा दृक, ऐसे चली जा रही हूँ माताएं ये एक काम जी का रूप धारण कर ले और ऐसे चली जा रही हूँ, और अगर ऐसा टेढ़ा देंगे ना अपान मोक्ष, इसको अपान मोक्ष कहते हैं, और ऐसा देख भर दे तो 2 ट्रकों में ट्रक भिड़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है एक्सीडेंट कैसे हो गया। इसलिए वाम दृशाम वामांगा दृष्टि संपन्ना गोपांगनाओं गौरांगी गोपांगनाओं के आवाहन के लिए कलम जगो, इसमें सिर्फ एक ही शब्द है कलम, कम सुखम ब्रह्मानंदमेव लाती थी कलम, भगवान ने उस बेणु को बजाया, सिर्फ उन्हीं गोपांगनाओं को सुनाई देगा जिनको बुलाना, इसलिए कलम शब्द का प्रयोग किया। अगर बांसुरी बजाओ ये बज रहा है सबको सुनाई दे रहा है, जिसको नहीं सुनना है उसको भी सुनाई दे रहा है, लेकिन कलम का अर्थ है कम सुखम लाती कलम, जो मात्र स्वात्मानंद का जागृत करने वाला रम बेणु है वो सिर्फ उन्हीं गोपांगनाओं के हृदय कर्ण कुहरों में प्रवेश करेगा जिनको बुलाना है और किसी को नहीं, उन्हीं के हृदय में उन्हीं के कानों में प्रवेश करेगा और किसी को सुनाई देगा ही नहीं, अर्थात जिसके अंतःकरण में मात्र कृष्ण है। सत्य तो ये है कि गोपियों को नहीं बुलाया, जिनके जिनके हृदय में कृष्ण है भगवान ने अपने स्वरूप को खींचा है, इसलिए गोपियां चली, गोपियां नहीं आई,
जिनके अंतःकरण में स्वयं भगवान रास राजेश्वर विराजमान थे, तो भगवान जैसे ध्रुव के हृदय में बैठी हुई मूर्ति को खींच लिया था, ध्रुव व्याकुल हो गया, ऐसे गोपांगनाओं के अंतःकरण रोम रोम में विराजमान भगवान राजेश्वर ने अपने रास विहारित्व को आनंद को जैसे ही खींचा, गोपियां आनंद की ओर खींची चली आई कि मेरा आनंद कहाँ चला गया। जगौ कलम्बाम मृषा मनोहरम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो हे नाथ नारायण वासुदेवो हे नाथ नारायण वासुदेवो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो हे नाथ नारायण वासुदेवो हे नाथ नारायण वासुदेवो। और जैसे ही भगवान ने उस वेणु को बजाया नहीं, उस स्वरूपावस्थान को खींचा, जिनके हृदय में रोम रोम में गौरांगी गोपांगनाओं के अंतःकरण अंतरात्मा विराजमान अंतर्यामी जैसे ही खिंचा तो चला। अर्थ रहे ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा, गोपांगनाओं ने कृष्ण को नहीं खींचा। गोपांगनाओं में क्या क्षमता, संसार के शरीर का वो क्या माधुर्य, क्या सौरस्य, क्या सौगंध, क्या लावण्य होगा, क्या हृदय होगा, क्या चित्त होगा, क्या मन होगा, वो क्या उस परमानंद परमात्मा को दे देगी। इसलिए भगवान को देने के लिए गोपियों के पास कुछ है नहीं, बल्कि कृष्ण के पास है कि मैं गोपियों को कुछ दे दूं। इसलिए कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्णे नैव गृहीतम मनः यासामतः, कृष्ण ने गोपियों का मन पकड़ा है, गोपियां ने कृष्ण का मन पकड़ नहीं पाया। कृष्ण के मन को भला कौन पकड़े, इसलिए गोपियां भागी चल पड़ी, और ऐसे नहीं चली, बहुत आश्चर्यकारी ढंग से चली, और लोगों को पता नहीं चला कैसे। वो गाय दूह रही है, तो गाय की विशेषता ये होती है कि दूसरा हाथ लगते ही वो उचक जाती है, लेकिन एक गोपी गाय का दूध दूह रही है, गोपी चली गई, गाय का दूध दूह रहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को अंत में कहा, ना सूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। भगवान ने दो कार्य एक साथ किए, वंशी का बजाना अर्थात वेणु का बजाना, और जितनी गोपियों को आना है वो जिस कार्य में लगी हो वहां वहां वैसे ही गोपी का पुनः तैयार कर देना एक साथ। ना सूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वाम दारान प्रजोपुषा। जिन जो गोपियां भगवान कृष्ण के यहाँ भाग आई चली आई, लेकिन मन्यमाना वहां के ब्रजवासियों को अपनी पत्नियां मेरे घर में है यही उनको दिखता रहा। भगवान ने दो कार्य एक साथ किए, अपनी गोपांगनाओं को रमण कराने के लिए बुलाना, और ठीक उसी स्वभाव उसी स्वरूप, एक बार तो स्वयं बने थे ना, एक बार कपड़ा साड़ी स्वभाव रूप रंग सब बने थे, लेकिन आज भगवान ने कहा कि अब तुम चली आओ, अब मैं ही खुद बन करके गोपी उनकी सेवा करूंगा और तुम्हें रास करूंगा। कौन रोक सकता है, इसलिए मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रज उपसा। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने गोपांगनाओं को दूध दूहते हुए, पति की सेवा करते हुए, बच्चे को दूध पिलाते हुए, परोसते हुए, दूध गर्म करते हुए, गोपियां जैसी थी वैसी चली आई, और कृष्ण ने
अपने आप को गोपियों का स्वरूप बना करके गोपियों का आनंद देने के लिए स्वयं गोपी बने और उनके पतियों की सेवा की और दूध भी पिलाया। क्या क्या आनंद है, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये अकेले का काम नहीं है, इसलिए योग माया को आश्रय का, योग माया का जिस समय आश्रय लिया तो भगवान गोपी बन करके सेवा कर रहे हैं, माया का क्या। इसलिए जो जैसी थी, कुछ पतियों की सेवा करती थी, कुछ दूध पिला रही थी, लेकिन आनंद की बात, विलक्षण बात तो ये है कि गाय का दूध दूहते हुए व्यक्ति का भाग जाना और गाय को पता न चलना कि दूध नहीं दुब रहा है, कितनी शीघ्रता। आप दूध दूह रहे आदमी का जब हाथ हटेगा तब तो आप दूध पकड़ोगे, जब आप दूध दूहते हुए व्यक्ति का हाथ हटेगा तब आप दूसरा हाथ भी हाथ लगाएगा, तो इतना हाथ का छोड़ना दूसरे हाथ के पकड़ने में जो समय लगेगा इतने में गाय समझ जाएगी कि ये हाथ किसी और का है। इतना व्यवधान भी भगवान ने करने नहीं दिया कि गाय के ऊपर के थन में गोपी का हाथ है और वो वहां से खिसकने वाला है और गोपी भाग गई और हाथ वहीं का वहीं बना रहा, दूसरी गोपी ने पकड़ लिया। कितनी जल्दी गोपांगना की रचना की होगी, कितनी जल्दी। एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है, पायंत्यः शिशून पयः, और बच्चा दूध पीते अगर छूट जाए ना तो रोने लगता है, लेकिन एक माँ कितनी कितना बात ही नहीं कर सकते आप कैसे, कि बच्चा दूध पी रहा है और दूध पिलाने वाली माँ भग गई और बच्चा गोद में सो गया, वो एक गोपी वहां दूध पिलाई गई, कितना क्षण बाल के बराबर भी, त्रुटि मात्र पर्यंत भी जिसका कालक व्यवधान ना हुआ हो उस महाराज का क्या कहेंगे। एक कालक व्यवधान, त्रुटि मात्र कालक व्यवधान नहीं। बच्चा स्तनों में दूध पी रहा है और गोपी ने बच्चे को फेंक दिया और वो भाग गई कृष्ण की ओर, लेकिन ये बात बच्चे को पता ना चलना और उसी के शरीर से इसका तात्पर्य ये निकलता है एक गोपी नहीं बनी, दूसरी गोपी आई नहीं, अर्थात जैसा का तैसा जड़ शरीर था। जैसे यमराज अपने शरीर को इसको छुड़ा करके और चैतन्य शरीर को अंगुष्ठ पर्यंत को ले जाते हैं ना, ऐसे शरीर वही रहा, वही वस्त्र वही स्वरूप रहा, लेकिन श्री कृष्ण में प्रेमांगना गोपांगना के चैतन्य शरीर को भगवान निकाल के ले गए, क्योंकि एक काला विच्छेदन, एक त्रुटि की भी मन व्यवधान ना होना, इससे बड़ी और विलक्षण बात क्या, परिवर्तन ना होना, बच्चे का सो जाना इससे भी बड़ी बात। अपने परिवेश यंत्र हित्वा पाए यंत्र, परिवेश यंत्र, कोई अपने पति को दाल परोसने के लिए चमचा ऐसे करके दाल डालने वाली है और गोपी भग गई। लटा शत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, परिवेश अंत्य शक्ति प्रत्यय है, बिल्कुल कंटिन्यूस टेंस है, चल रहा है, आधी दाल गिरा रही है पति के इसमें और चम्मच का ना गिरना, दूसरे ने पकड़ लिया और चल रहा और गोपी चल दी। वही शरीर, वही मन, वही बुद्धि और वही वेग, वही वस्त्र, वही स्वरूप, वही स्वभाव, वही प्रेम, वही ज्ञान, गोपांगनाओं का जैसा का तैसा क्रिया को त्याग करके जाना, इसका मतलब चैतन्याधिष्ठात्री गोपांगनाओं का श्री कृष्ण से मिलन हुआ, जड़ाधिष्ठात्री गोपांगनाएं वही, जड़ वही रह गया, चैतन्य चला गया, इसलिए तो एक त्रुटि का भी अंतर नहीं पड़ा। और गई कहां, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, जवेन बेगेन लोलाह चंचलाह कुंडलाह या शांताह जवलोल कुंडलाह,
जब भागते हैं तो कुंडल हिलते हैं, इतना जब है, वेग है। और रोज तो बता के जाती थी कि चलो जमुना जी में नहाने चलना है, आज मूर्छित अवस्था में चली जा रही है, एक दूसरे को बताए चली ही जा रही है, चली ही जा रही है। बताए आजग रण्योन्यमलक्षितोद्यमा अलक्षितोद्यमा अलक्षितः अज्ञातः उद्यमः प्रयासः या शांतः अलक्षितोद्यमः। माने कौन बगल से गोपी निकल गई है, बगल वाली गोपी देख नहीं रही है, कितनी एकाग्रता कहना चाहिए। आप बगल से कंधे मिलाकर के दौड़ रहे हैं और ये आदमी वो है ये पहचान नहीं रहे, इसका मतलब है कि जिसने भगवान को कृष्ण को पहचाना, जिसने माधुर्य को पहचाना, भगवान के परमानंद चंदानंद स्वरूप को पहचाना, वो बगल वाले को देखेगा ही क्यों। और वो पहुंची, चली 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 चली, लेकिन कुछ रह अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः अलब्ध विनिर्गमाः। उनको लब्ध विनिर्गमा नहीं हो पाई, उनको निकलने नहीं पाई, बंद कर दिया गया। तो अंतर्गृहगता अंदर ही चली गई, लेकिन वो किया कम थी। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर को तुम रोक लो, रोको रोको। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप सर्वे सामति शयन प्रिया इति प्रेष्ठ। प्रेष्ठ शब्द का अर्थ वहां, प्रेष्ठ शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां संसार में जिसको प्राण भी प्रिय ना हो वह जगह पर प्रेष्ठ का प्रयोग होता है। अतिशायने तम अभिष्ठनम, अतिशय अर्थ में स्थन शब्द का प्रयोग होता है। नमो नेतिष्ठाय प्रिय दवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोधिष्ठाय स्मर हर महिष्ठाय च नमः। तो सर्वेशा सर्वेशाम अतिशयन महीयान इति महिष्ठा, ऐसे ही सर्वेशा मत शयन प्रिया इति प्रेष्ठा। माने शरीरादपि प्राणादपि इंद्रियादपि वस्तुनः अपि जगतः कुलादपि लज्जायाः अपि, सबसे अतिशय प्रिय प्रेष्ठ जो दुस्सह प्रेष्ठ, दुस्सह प्रेष्ठ अपने प्रियतम प्राणाधार का दुस्सह वे इतना ताप हुआ भी भता शुभा, जिन पूर्व जन्म के पापों के कारण जा नहीं पाई थी वो पाप ही अशुभ ही रात, और वो जैसे ही शुद्ध हुई जब नाश हो गए ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष ऐसा ध्यान हुआ गोपांगनाओं को कि कृष्ण कृष्ण का चमत्कार क्या, ये चमत्कार है, ये चमत्कार नहीं। कृष्ण अभी गोपांगनाओं को बुलाने के लिए यमुना तट में बैठे हैं, लेकिन जिन गोपांगनाओं ने अंतर्गृहगता जाकर के दुस्सह प्रेष्ठ विरह ताप हुआ, उस तीव्र ताप में उनके अशुभ क्या नष्ट हुए, कृष्ण ने यमुना तट छोड़ा एक रूप में गोपांगनाओं के हृदय में रास करने। उनको रास बाद में हुआ, जो घर में हो गई उनको रास पहले। और आश्लेष ऐसा हुआ कि निर्वृत्या क्षीण मंगला स्वर्गादि प्राप्ति के कामना स्वरूप कर्मों का भी विनाश हो गया, चले गए। इतना प्रेम कौन करे, कैसे करे, कहाँ करे, होता नहीं। ऐसी गोपांगनाएं पहुंची, तब गोपांगनाओं को भगवान ने महारास कराया, जिसके शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, चेतनता नहीं, मोह नहीं, जिसकी इंद्रियां नहीं उसके काम क्रोध लोभ मोह आदि कुछ होता ही नहीं, ऐसी गोपांगनाओं का महारास ब्रह्मानंद है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा था हो भाग्यम नंद गोप ब्रज कुशाम यन मित्रम परमानंदम। संसार में आनंद किसी का मित्र होता है, दुख मित्र होता है।
संसार में आनंद मित्र नहीं होता, दुख मित्र है। इसलिए आप पैदा होकर मरते दम तक दुख साथ रहता है, सुख आपके साथ नहीं रहता है। पूर्णम ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म जिसका परमानंद मित्र हो जाए, भला उसको क्या कहना। गोपांगनाओं का भगवान ने आवाहन किया और इतना ही नहीं, उनको महाराज कराया, तब स्वरूपता प्रदान की, अंतर्धान होकर के सौ गुणित कर दिया उनके आनंद को, और फिर महाराज किया। और ये तात्पर्य है, इसलिए इस आनंद को इतिहास है, स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने मदन मोहन मालवीय जी से 7 दिन शास्त्रार्थ किया था रास पंचाध्यायी पर। काशी की पांडित्य परंपरा पुस्तक में स्वामी अखंडानंद जी ने लिखा है, मदन मोहन मालवीय जी ने अपने BHU में घोषणा की थी कि श्रीमद् भागवत में से रास पंचाध्यायी निकाल देना चाहिए, अश्लील प्रकरण है। स्वामी कर्पात्री जी महाराज को जब सूचना दी गई, धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज कौपीन लगाए, आच्छादन लगाए हुए ऊपर, और बीच सभा में बोल पड़े, सावधान, मदन मोहन मालवीय जी ने देखा एक दिव्य तेज चला रहा, तेज पुंज ऊपर ओढ़ने का भी नहीं, कमर तक कटी वस्त्र पहने हुए वह दिव्य दंडी स्वामी लगाए त्रिपुंड, और बीच सभा में मदन मोहन मालवीय जैसे सबल पुरुष को, और एक हाथ उठा के कह दिया, सावधान, कुछ भी बोलने के पहले, शास्त्रों में एक शब्द बोलने के पहले सावधान हो जाओ। स्वामी जी के शरीर दिव्यता को देख करके मदन मोहन मालवीय ने माइक बंद करके कहा, महाराज को आगे लाया जाए, कौन दिव्य मूर्ति है। स्वामी कर्पात्री जी महाराज काल में हिंदी नहीं संस्कृत बोलते थे, और कहा कि मालवीय जी शास्त्र समझ में नहीं आते हैं तो उनके फेंका नहीं जाता है, अपनी बुद्धि को शुद्ध किया जाता है। धर्म में, रामायण में, शास्त्रों में लिखी हुई बात को ये नहीं कहा जाता कि गलत है, अपनी बुद्धि को शुद्ध किया जाता है कि पता कैसे चले कि ये सही क्या है। 7 दिन तक शास्त्रार्थ किया था, अंत में मदन मोहन मालवीय जी ने सिर रख करके पराजय स्वीकार की और कहा कि आप ठीक कहते हैं, मेरी बुद्धि मंद है, इसलिए मैं रास पंचाध्यायी को अश्लील समझता हूँ। वही प्रवचन है 7 दिन का जो रास पंचाध्यायी जो भक्ति सुधा में है। है कोई इस समय जो हमारे शास्त्रों पर अंगुली उठाने वाले को कह दे कि सावधान, एक बार सिकरी व्यास में राम चरितमानस का सम्मेलन होता है, पूज्यपाद नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने बुलवाया था, हम गए थे, भारी भीड़ 10 गांव की, उसमें से एक ऐसे सज्जन थे इन्होंने रामायण की चौपाई का ऐसा विपरीत अर्थ किया, मैं वहीं बैठा था, मेरा नंबर आया, 10 मिनट का था, सबसे पहले मैंने यही बोला, मैंने कहा इस मंच में बोलने के पहले सावधान हो जाओ। नृत्य गोपाल दास जी महाराज कमरा छोड़ करके बाहर निकल आए और पीछे खड़े हो गए लोग देखने लगे, और उन्होंने कहा कि 35 वर्ष बाद मेरे कान में आवाज आई कि शास्त्र को गलत बताने वाले के लिए कोई माइक से कह रहा हो सावधान हो जाओ। अभी स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने कहा था, आज ये ब्रजपाल कह रहे हैं, अब इनका ही सुनना है। रामायण की चौपाइयां लोगों के मनोरंजन का साधन नहीं, मोक्षदायिनी है, इनका अर्थ उल्टा सीधा करके आप किसका मनोरंजन, रोटी ही चलाना है तो पुराणों में लिखे हुए रामचरित्र को प्रामाणिक रूप से कहिए। यदि रामचरितमानस से रोटी चलाना है, भागवत से चलाना है तो चलाइए, वो तो भूति विभूति मुक्ति भुक्ति सब देते हैं, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्टा अर्थ करके आप प्रकट कर रहे हैं। जो सावधान किया वो निकल आए बाहर और बोले अब इस चौपाई का अर्थ आप करिए। उन्होंने चौपाई दी, इन्हीं दिलो कथाती अनुरागा परमस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ऐसी कठिन चौपाई दी, 1 घंटा बोला, फिर वो बोले अब हम बोलते हैं, खुद माइक लेकर के बोले,
कि वास्तव में ऐसे रामचरितमानस के सम्मेलन नहीं कराना चाहिए जो तुलसीदास जी की रामायण को मनोरंजन का साधन समझते हो। ये है इतिहास है, साक्षी है। इसलिए शास्त्रों में अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो अपनी बुद्धि और मन को शुद्ध करने का प्रयास करिए, लेकिन ये शास्त्र गलत है ये कहने का दुस्साहस करके अपने सनातन धर्म की नींव खोदने का काम मत करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और ये ब्रह्म सत्र आप सभी के सहयोग से पुनः हो ऐसी ही कामना है। आइए राजकुमार जी, मैं एक थोड़ा सा भजन कर सुना दूं और इसके बाद महाराज श्री आए हुए हैं उनके आशीर्वचन भी सुन लिए जाए। वो हम लोगों को जितना आशीर्वाद देंगे वही सब कुछ है। महाराज श्री तो सब प्रकार से समर्थ हैं, उनके पास भगवान भी है, भगवान का दिया हुआ आजान भुज भगवान की कृपा भी है। आज आप जितना जो कुछ देख रहे हैं, हम 7 दिन से महाराज जी की ही बातें सुन रहे हैं, तो आप लोग जो आज वीरता देख रहे हैं ये आजान भुज सरकार की, जैसे राम मंदिर राम जन्मभूमि की किनसे छुड़वाया है, राम जन्मभूमि को छुड़वाने के लिए कितने वर्ष लग गए, किसने किसने क्या संघर्ष नहीं किया, ये वही राम जन्मभूमि के समान अकेले संघर्ष करने वाले महाराज श्री हैं। आज आप यहाँ बैठे होते आज यहाँ बैठे होते, आज वहाँ राम मंदिर बन रहा है तो बन गया होता क्या? ये तो महाराज श्री की दृढ़ निष्ठा कहिए और आजान भुज भगवान को ही आखिर में आंखें खोलनी पड़ी। बंद आंखें महाराज श्री ने आजान भुज भगवान की आंखें, वो तो आंख बंद करके बैठे थे तब तो इतना सब फैल गया था। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ जो इतना उपद्रव फैल गया था वो सिर्फ अजान भुज भगवान की आंखें बंद करने के कारण है। महाराज श्री ने आपकी आंखें नहीं खोली, अजान भुज भगवान की आंखें खोली कि तुम आंखें बंद करे बैठे हो और तुम्हारी जमीनें खा रहे हैं लोग। जब भगवान को इनने जगाया तब भगवान बोले बात तो सही है लेकिन लड़े कौन? बोले लड़ेंगे हम और ताकत दोगे आप। इसलिए हनुमान जी ने रावण से कहा था, रावण जाके बल लवलेश ते जितव चराचर धार, तास दूत मैं रावण हरियाणी प्रियना। तुम भी तो उन्हीं के हो, हम भी उन्हीं के हैं, लेकिन अब थोड़ी अंतर पड़ जाएगा। बोले क्या? तुम्हें जो बल दिया था उससे तुमने उनकी सीता चुराई है और हमको जो बल दिया है उससे हम यही सीता ले जाएंगे। बल तो दोनों एक का ही है ना, इसलिए तुमको जो भगवान ने बल दिया था उससे तुमने सीता चुरा ली, लेकिन राम जी ने जो हमें बल दिया है उससे हम सीता ले जाएंगे, सीधी सी बात है। तो बल ही एक ही है, इसलिए महाराज श्री को बल, भगवान के नेत्र को महाराज श्री ने खोले, तब आजानुभाव बोले कि लड़ेगा कौन? बोलेंगे लड़ेंगे हम, लेकिन ताकत दो तुम। और उनने ताकत दी। आज इस प्रांगण में जो आप बैठे हैं ना, ये इन्हीं वीर संतों की कृपा है। इसलिए धर्म कायरता नहीं देता, धर्म वीर होता है। वो धार्मिक ही क्या जो कायर हो, अगर कायर है तो धार्मिक नहीं, और अगर धार्मिक है तो कायर हो नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। विराज ने कहा, कबंद ने कहा, भगवान ने कहा कि जानकी को छोड़ दो वाल्मीकि में। भगवान बोले तो भाई क्यों नहीं छोड़ रहे? तो कह रहा है इनको खाना मेरा धर्म है। तो राम जी उनको उपदेश देने लगे, ये धर्म नहीं, ये भूख है, प्यास है। लक्ष्मण जी बोले धर्म किसको सिखा रहे हो, इनके हाथ पैर काटो।
इतने भोले भाले हैं कि माने पहले तुम धर्म सीख लो। अजान भूत सरकार ऐसे है कि सीता को गोद में लिए है, वो पकड़े है, खाने को तैयार है, और राम जी कह रहे हैं कि धर्म बस सुन लो, फिर बाद में देखा जाएगा। इतने भोले भाले हैं, वो आँखें बंद किए बैठे थे। महाराज श्री ने भगवान की आँखें खोली, और जब भगवान ने आँखें खोली तो आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है। इसलिए उनकी बड़ी कृपा है। अपना समाज कायर है ऐसा नहीं है, बस बात इतनी है कि जब भगवान के दूत वीर बन के आ जाते हैं तो अकेले ही लंका में आग लगाने के लिए काफी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। धियं सदा परिभवन्यमभीष्ट दोहं तीसास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अकारण करुणा पूर्णालय भक्तवान सकलपतरु सरदृंद पीताम्बरधारी भगवान श्री आजानुभूत सरकार की पावन कृपा से हमारा हम सबका यह श्रीमद्भागवत सत्संग एवं ब्रह्म सत्र आज विश्राम दिवस की ओर है। गुरुदेव की पारम पावन कृपा, भगवान श्री की पावन कृपा हम सबको प्राप्ति। आज हम सब इस कार्यक्रम की सूत्रधार परम सहायता करने वाले महंत श्री भगवान दास जी महाराज श्रृंगार जी से हम विनय करेंगे कि हम सबको अपना आशीर्वचन एवं इस कार्यक्रम को आगे हम सब लोग कैसे लेकर के जाएं, यह है संक्षेप में हम सबको कृपा। वहीं पे राजे अरे यही दे देना, हो गया सीतानाथ समारंभां रामानंदां मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। आपदामं हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भयो भयो नमामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री आजान भूत सरकार की जय। मुझे बोलने के लिए कहा गया, मुझे बोलना ही नहीं आता है। इतने बड़े मंच पे विराजमान महाराज श्री और यहाँ सभी भागवत के प्रवक्ता एक से एक समाज को दिशा देने वाले महापुरुष विराजमान हैं। सभी भगवान के कथा और श्रीमद् भागवत का रसा स्वादन करते हैं और जनता जनार्दन को रसा स्वादन कराते हैं। इन सबों के बीच में, ज्ञानियों के बीच में अज्ञान को बोलने का कहा जाए तो क्या बोलेगा। यद्यपि इसीलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं सभी भगवान को अति प्रिय हैं क्योंकि ज्ञानी हैं। और हम केवल राम 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 करते रहते हैं, कोई ज्ञान है ही नहीं है, कहाँ जाए किधर जाए ये भी पता नहीं है, हैं। लेकिन भक्ति मार्ग को पकड़े हैं आप, ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं तो समाज को, देश को दिशा और दशा
दशा ठीक करते हैं, नई दिशा देते हैं। हम अपना ही कल्याण करने के लिए गुफा कंदरा खोज करके राम 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 करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा महाराज श्री की वाणी सुन करके, खूब आनंदित हुए। लेकिन यह शरीर यहाँ विवाद के लिए पड़ा हुआ है, विवादे में फंसा रहता है। इसलिए मेरा दुर्भाग्य कि मैं पूरा समय यहाँ नहीं दे पाया। फिर भी एक सभी यहाँ जानते होंगे कि यहाँ संत थे, श्री बाबा के नाम से जाने जाते थे और अर्जरिया जी के यहाँ निवास करते थे। कई बार मंदिर में आकर के उन्होंने हमको काफी भगवान के प्रति और भगवान की कृपा का आवाज कराया और कहा कि दीन दयाल कृपा करेंगे, दीन बंधु कृपा करेंगे, आप मैदान नहीं छोड़े। तो भगवान की कृपा से जो स्थान एकलौता स्थान है भारत का, आजान भुज सरकार का, कहीं भी राम जी अकेले किसी भी मंदिर में कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपके छतरपुर में आजान भुज सरकार मौजूद हैं। प्रमाण के सहित जब भगवान ने कहा निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन, तो वो यही स्थान था। राक्षसों का समूह सामने से आया तो लक्ष्मण जी से कहा ले जानकी जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, वो यही स्थान था। और जब खरदूषण इत्यादि राक्षसों का वध किया तो देवताओं ने वंदना की। देवता भी डरते थे, जानते थे कि राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं, लेकिन देखा नहीं तो देवता भी सोचते थे क्या होगा। मैं नहीं कहता, रावण की चौपाई ही कहती है, राम रावण का युद्ध हो रहा था, देवता सोचते थे हम किसकी जय बोले, राम जी सरकार की जय बोलते हैं और रावण सरकार को राम जी ना मार पाए तो रावण और चमड़ी ऊंचे देगा, क्यों और बोल लो राम जी की जय। और शायद रामचंद्र जी रावण को समाप्त कर दिए और हम रावण की जय बोले तो राम जी क्या कहेंगे, यार देवताओं बड़े स्वार्थी हो तुम, हमने तुम्हारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी लेकिन तुम एक बार जय भी नहीं कह सके, तो नीचे से नाम लेके जय बोलते थे लेकिन ऊपर से देवता जयति जयति जय करी, एक बार नहीं तीन बार बोलते थे लेकिन नाम किसी का नहीं लेते। तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हम लोग सब स्वार्थ के बस हम सब ये कर रहे हैं। लेकिन इसी मंच पे आज के 8 साल पहले सबसे पहले अन्नपूर्णा रामलीला की रामलीला का कार्यक्रम रखे, रामलीला हो रही है पीछे से पत्थर बरस रहे हैं, जनता जनार्दन रामलीला देख रही है, बीच से सुगर खेद दिए जाते थे क्योंकि नीचे उसी बिरादर के बसे हुए हैं। सबसे निवेदन करते थे, इन हरिजन समाज की माताओं बहनों से भी हाथ जोड़ता था मैं, आप लोगों जैसी माताओं की गर्भ से मैं भी निकल के आया हूँ, आप सब मेरी माताएं हैं, कृपा करो। भगवान ने सबको सद्बुद्धि दी, बहुत अच्छा हो गया और ये कार्यक्रम जो हो रहा है भगवान की ही कृपा होती है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब भगवान की असीम कृपा होती है तब ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलता है, और जब ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलता है तो जो पाप रूपी राशि है वो समाप्त होती है। उस पाप राशि नसाने के लिए ये संतों का संग, महापुरुषों का संग अनिवार्य है। इसलिए आज यहाँ 7वां दिन है, 7 दिन के विषय में बहुत बढ़िया महाराज श्री ने बताया श्रीमद् भागवत के माध्यम से, और 7 ही दिन के अंदर हमें तुम्हें भी चला जाना है, 8वां दिन नहीं है कोई, 7 ही दिन का खेल है, 7 दिन की भागवत चलती है, सभी जो है 7 दिन गोवर्धन को उठाए रखे वर्षा, यानी भगवान की बड़ी कृपा और 7 ही दिन का सब खेल है। इसलिए राम कहे जा काम किए जा, ना काहू का डर है और परदेशी का नगर बसा है ना काहू का घर है,
संसार में आए हैं तो भगवान का भजन करिए, जीव के ऊपर कृपा करिए और जाना है रहना नहीं, जाना विश्वाबीस दो दिन के वास्ते, मत भूलो जगदीश। तो मैं क्या बोलूं, बोलने का मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन संतन भी जस कुछ समय तुम्हें ही सुनाऊँ, सोए वही स्थिति है। महाराज श्री से प्रार्थना करूँगा, अपने समस्त सहयोगी ब्रह्ममंडली महापुरुष विद्वान सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए ये दास ये जरूर कहेगा कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मेरे लिए कभी कोई भी आदेश होगा तो मैं सिर के बल तैयार रहूंगा। और ये कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है ये साल में एक बार चलता रहे तो बड़ी कृपा होगी। हजारों सरकार की हमारे बेनी प्रसाद चंसौरिया जी ने, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग करके आज किसी के यहाँ एक ब्राह्मण एक संत पहुंच जाए तो विचार करता है अहो भाग है जी उसके मुख से निकल आवे कि आज हमारे यहाँ भोजन आपका हो जाए, लेकिन इतने विद्वानों का सबका भोजन व्यवस्था समस्त प्रकार की सुविधाएं सब हर प्रकार से देख रेख करना ये इस पूर्ण कार्य के बड़े यानी हम क्या कहें इनको कि बहुत अच्छा इनको भगवान की कृपा हुई, जो भगवान की कृपा से ये इतना बड़ा कार्य का बीड़ा उठाया और बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। ब्रह्मशास्त्र भी बढ़िया चला, 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा चली और हम ये चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जैसा महाराज श्री के मुख से सुना कि विद्वान विद्वानों की स्थिति कमजोर होती जा रही है, घटते जा रहे हैं, तो विद्वान पैदा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं तो एक निवेदन करूंगा, इसमें बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, तन मन धन सब कुछ है, समाज के लिए समर्पित करने वाले लोग हैं, उनके साथ मैं भी खड़ा रहूंगा। एक यहाँ श्रीमद् एक विद्यालय जरूर चालू किया जाए जो संस्कृत पाठशाला, और उसमें क्योंकि संस्कृत क्या है, ये हमारी मातृभाषा है, देव भाषा है, प्रथम भाषा हमारी संस्कृत भाषा है, दूसरी भाषा को हम कह सकते हैं हिंदी भाषा, प्रथम संस्कृत। ये बहुत से छोटे परिवारों की माताएं भी कोई कोई बैठी होंगी, किसी के घर में किसी भी प्रकार का पूजन होगा, गौरी गणेश ही पूजन होगा, तो क्या उर्दू में संस्कृत में हिंदी में होगा, संस्कृत में होगा। इसलिए संस्कृत देव भाषा है, इसको जीवित रखने के लिए एक संस्कृत विद्यालय की यहाँ आवश्यकता है, ये शरीर हर प्रकार से उसके लिए तैयार है। महाराज श्री से कहूँगा कि सदा इन सभी के ऊपर हमारे ऊपर इस भूमि के ऊपर कृपा बना रखें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोलिए जान बाहु सरकार की जय। महाराज श्री ने तो कह दिया, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा थोड़ा करके भी, मालूम है अब इसमें कितना सम्माहत्म है वो तो आपको बाद में पता चलेगा, इसलिए सब लोग सहयोग करें। छतरपुर से एक विद्वान कर्मकांड के व्याकरण के इत्यादि के विद्वान निकलेंगे। महाराज श्री का आपने सुन लिया, अब बाकी सहयोग आपके हाथ में। बोले आजान वो सरकार की जय। अब मैं आचार्य पंडित श्री शिवदत्त जी महाराज से विनय करूंगा कि संक्षेप में हम सबको अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन वचन प्रदान करें। भैया राजकुमार बोलने वाले वक्ताओं से निवेदन, टाइम को जरूर बता देना। नृत्यावसान नटराज वालो ननाद घटम नव पंचवार उद्धव तुकाम सनक
14 भवनों में 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर और 7 का पूरा साधन। जिन लोगों के हृदय में वह परमात्मा सच्चिदानंद समाहित है, उनके द्वारा यह संस्कृति संस्कार वेदों के वैदिक क्रिया के द्वारा, ये वांग्मय के द्वारा जो फल प्राप्त किया गया है, जिसमें हमारे सभी वैदिक आचार्य जिन जिन लोगों के लिए महाराज श्री बोल रहे हैं, इन सबको मैं कोटि से प्रणाम करते हुए, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मनसा वाचा कर्मणा परोक्ष रूप में भी जिस सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हुए सारे समाज सहित सारे विश्व की शक्ति को समाहित करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं आचार्य पंडित श्री रमेश जी दीक्षित जी से निवेदन करेंगे कि संक्षेप में अपना आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें। बोलिए जान बाहु सरकार की। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलसायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। बड़ा ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में आचार्य श्री ब्रजपाल जी शुक्ल, इनके द्वारा बहुत ही कम समय में और इतनी बड़ी अमूल्य निधि हमारे सभी विद्वानों के बीच में दी गई कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यह ऐसा अवसर बनना, ये सब भगवत कृपा से ही और संतों के आशीर्वाद से हमें यह उपलब्ध हुआ। अपने आप ऐसी जिसकी की कल्पना नहीं की जा सकती थी, ऐसे अवसर का प्राप्त करना बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। हमारे सभी विद्वानों ने अपना अमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को बड़े ही सुचारू रूप से सुबह से और संध्या तक, मैं तो अपना पूरा समय नहीं दे सकता, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण पूरा समय न दे पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं आचार्य श्री युद्धाचार्य पांडे श्री सुदर्शन लाल पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। 7 दिन सत्संग, ये शब्द हम में व्याकरण करना है और मेरे भाषा में थोड़ा बहुत जेंडर में ठीक कर देना, क्योंकि मैं हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाता हूँ।